ADTO identity of matrices. टॉपिक है ADTO identity. वैसे हम रियल नंबर्स में भी ADTO identity यूज़ करते हैं, जो कि ज़ीरो है हमारे पास. रियल नंबर्स में हमारे पास होता है ज़ीरो, ADTO identity इज़ ज़ीरो. लेकिन यहाँ पर हमारे पास नंबर्स तो नहीं है, यहाँ पर हमारे पास मैट्रिसेस हैं. तो यहाँ पर मैट्रिसेस में हमारे पास ADTO आइडेंटिटी का मतलब ज़ीरो नहीं होता, बल्कि ज़ीरो मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स. तो इसका मतलब ये है पूरे टॉपिक का कि हम जब भी नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ हम ऐड कर ले, तो उससे वही मैट्रिक्स आता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता. जिस तरह रियल नंबर में हम कहते हैं कि अगर ज़ीरो हम किसी भी नंबर के साथ ऐड कर ले, तो उससे वही नंबर आता है. तो इस तरह मैट्रिक्स में अगर ज़ीरो मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर ले, तो उससे वही मैट्रिक्स आता है, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता. तो ये एक एग्जांपल है, आप देख लें इसको. ADTO आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसका मतलब ये है ADD null matrix with any matrix. The result will be that matrix. यानी वही matrix आपका answer आएगा. For example, एग्जाम्पल हम बुक वाला हल करेंगे. बुक में है एफ ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू 3-1 2-5 एंड ओ इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर 0-0-0-0. सो ए प्लस ओ 3-1 2-5 प्लस 0-0-0. यानी ये नल मैट्रिक्स है और ये ए एक मैट्रिक्स है. इन दोनों मैट्रिसेस को अब हम ऐड करते हैं और देखते हैं कि इससे क्या आंसर आता है. तो एडिशन में हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं. 3 का करस्पॉन्डिंग 0 है, तो 3+0. -1 का करस्पॉन्डिंग भी 0 है, 2 का करस्पॉन्डिंग भी 0 है, 5 का करस्पॉन्डिंग भी 0 है. तो a प्लस ओ से आता है 3-1 2-5, जो कि a के बराबर है. जिस तरह मैंने बताया था ना कि अगर नल मैट्रिक्स को हम किसी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर ले, तो दैट मैट्रिक्स, इसका मतलब ये कि ये मैट्रिक्स a, तो हमारे पास आंसर जो है वो मैट्रिक्स a आता है. दिस इज़ ऑल अबाउट ADTO आइडेंटिटी.